अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कंपोजर को यूज़ करते हुए रीकैप्चा की पीएचपी लाइब्रेरी डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए आपको मैं एक न्यू टैब पे लेके चलता हूं और यहां पर जाके मैं लिखता हूं गूगल रीकैप्चा पीएचपी लाइब्रेरी। और देखें यहां पे एक गिटहब रिपोजिटरी है जहां पे इन्होंने इस इसकी फाइल्स को होस्ट किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। इस वक्त मैं गिटहब पे आ चुका हूं। देखें गूगल फॉरवर्ड स्लैश रिकैप्चा इस प्रोजेक्ट का नाम है और मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है और इन्फॉर्मेशन आप बाय द वे रीड कर सकते हैं। यहां पे देखें लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन और यहां पे लिखा हुआ है कंपोजर रिकमेंडेड। कंपोजर अगर आप यूज करते हैं तो बहुत सारा काम आपके लिए कंपोजर खुद से कर देता है, आपकी लाइफ काफी आसान हो जाती है। तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसकी मुझे जरूरत है। इसको कॉपी कर लेने के बाद मैं कंपोजर को अपने पास ओपन कर लेता हूं। कंपोजर को ओपन करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा, तो मैं कैसे ओपन करूंगा, रन पे जाके मैं लिखूंगा CMD। तो कमांड प्रॉम्प्ट को मैं सक्सेसफुली ओपन कर चुका हूं। अब यहां पे जो फॉन्ट साइज है वो मैं इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको ठीक से नजर आता रहे। जो फॉन्ट साइज है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूं। देखें ये कुछ आपको इस तरह से नजर आ रहा है, कुछ पहले से ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। अब मैंने क्या काम करना है, जो सबसे पहला काम है जो मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है मैंने वहां पर जाना है, मैंने उसको ब्राउज करना है। तो उसको सबसे पहले ब्राउज कर लेते हैं। मैं यहां पे आके लिखता हूं यू के नाम से मेरी डायरेक्टरी है cd books। मेरी काफी सारी डायरेक्टरीज हैं तो मुझे जैम्प के अंदर जाना है बेसिकली। cd zamp cd ht docs cd pro e tutor। ओके, तो प्रो ई ट्यूटर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आपकी जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है आपने बेसिकली उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो मैं यहां पे आके कुछ और लिख देता हूं। लेट सपोज मैं लिखता हूं, मैं डायरेक्टरी वैसे क्रिएट कर लेता हूं ताकि मैं उसमें फाइल्स को डाउनलोड कर सकूं। एक्चुअली ये फाइल्स मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कंपोजर यूज करते हुए इन फाइल्स को आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इस पर्पज के लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। मैं पीछे देख लूं, मैं जैम के अंदर हूं। ओके, तो मेरे पास असल में एक से ज्यादा इंस्टॉलेशन अवेलेबल हैं एग्जाम की, तो मैं मेक श्योर कर रहा था कि मैंने कहां जाना है। उसके बाद मैं आता हूं एच टी डॉक्स में और यहां पे आके मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूं। बल्कि मैं डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करता, मैं डायरेक्टली जो टेस्ट के नाम से एक डायरेक्टली क्रिएटेड है मैं यहां पे आता हूं और यहां से कुछ फाइल्स को रिमूव कर देता हूं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूं कि डाउनलोड होने के बाद ये आपको नजर कैसे आएगी। तो इस वक्त मैंने जाना है टेस्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि जिस जगह पे मैं फाइलें डाउनलोड करना चाहता हूं मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आऊंगा। तो यहां पे आके मैं लिखूंगा cd test। देखिए मैं टेस्ट के अंदर आ चुका हूं। तो टेस्ट के अंदर आ जाने के बाद अब मैं यहां पे आके वो जो कमांड मैंने कॉपी की थी, यानी कि ये वाली कमांड, इसको फिर से कॉपी कर लूंगा और इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट, अब मैं एंटर की हिट करूंगा। अब यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। ओके, जो डाउनलोडिंग थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको उस फोल्डर की शक्ल दिखाता हूं, उसमें क्या कुछ अवेलेबल है। यहां पे देखें एक वेंडर के नाम से फोल्डर अवेलेबल है, नीचे एक फाइल है कंपोजर के नाम से और जो सेकंड फाइल है वो कंपोजर डॉट लॉग के नाम से फाइल है। ये जो फाइल्स आपको नजर आ रही हैं कंपोजर वाली, ये कंपोजर से रिलेटेड है। और ऊपर आपके फोल्डर नजर आ रहे हैं वेंडर के नाम से, ये वो फोल्डर है जिसके अंदर मैंने पीएचपी की जो लाइब्रेरी है रीकैप्चा वाली उसको डाउनलोड किया है। गूगल के नाम से फाइल है, इसके अंदर वो तमाम फाइल्स अवेलेबल हैं, सारा सोर्स कोड इसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखें ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है।
फर्दर मोर अगर मैं वापस आता हूँ तो ऊपर कंपोजर से रिलेटेड एक फोल्डर है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर ऑटो लोड के नाम से बहुत सारी फाइल्स आपको नजर आ रही हैं। तो ये फाइल्स बेसिकली कंपोजर ने ऑटोमेटिकली जनरेट की हैं, इन पे काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिनकी बेस पे आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। उन सेटिंग्स को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा लेकिन आप उनको ओपन करके देख सकते हैं बेसिकली फाइल्स को ऑटोमेटिकली लोड कैसे किया जाएगा। देखिए ऑटो लोड के नाम से फाइल है, अब देखते हैं कि इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कैसे करेंगे। तो प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए नीचे आकर उन्होंने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट डाउनलोड नो कंपोजर, यानी कि कंपोजर के बगैर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कंपोजर के साथ डाउनलोड किया है तो थोड़ा सा डिफरेंस है असल में। तो इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए जो ऑटो लोड वाली फाइल है उसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवाना होगा। इसको इंक्लूड कैसे करवाना, इसको कैसे इंक्लूड किया जाएगा, सिंपली रिक्वायर वाला फंक्शन यूज करेंगे और उसके आगे पाथ स्पेसिफाई कर देंगे। अब वापस आते हैं नेटबीन्स पे। नेटबीन्स को मैंने क्लोज कर दिया था लास्ट टाइम क्योंकि वो FTP के थ्रू कनेक्टेड था और उस पर मैंने ऑलरेडी इन फाइल्स को होस्ट किया हुआ है, यानी कि ये जो लाइब्रेरी मैंने डाउनलोड की है ये पहले से वहाँ पे होस्टेड है। तो उसको क्लोज करने की वजह ये थी कि अगर मैं उसको ओपन रखता तो FTP के थ्रू इस लाइब्रेरी ने अपलोड होना था और अच्छा खासा टाइम वहाँ पे वेस्ट होना था, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने उसको क्लोज कर दिया था। ओके, मेरे पास जो नेटबीन्स है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप जो oath के नाम से फाइल है oath.php आप डायरेक्टली उस पर जंप करते हैं। फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है, इसको मैं जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से नजर आता रहे। यहां पे मेरे पास ये जितना भी कोड लिखा हुआ था कर्ल वाला, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपली रिमूव कर देता हूं। इसको रिमूव कर देने के बाद अब वापस आते हैं। ये वाला स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया, उससे पिछले लेसन में ये वाला स्टेप परफॉर्म किया था। उसके बाद अब क्या काम करना है, अब बेसिकली इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। मेरे पास जो फाइल्स यहां पे नजर आ रही हैं आपको, इनको मैं ओपन कर लेता हूं। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को मैं एक्सपेंड कर लेता हूं और यहां पे एग्जाम्पल के नाम से डायरेक्टरी है, मैं उसके अंदर आ जाता हूं। तो यहां पे आप नोट करें मेरे पास वेंडर के नाम से एक डायरेक्टरी अवेलेबल है, ये वही डायरेक्टरी है जो मैंने अभी डाउनलोड की थी और बगाया इसे रिलेटेड composer.log composer.json के नाम से फाइल्स अवेलेबल है। तो मैंने बेसिकली इसको इंक्लूड करवाना है, तो इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ एग्जाम्पल के अंदर काम कर रहा हूँ, जो मेरी डायरेक्टरी है उसका नाम है एग्जाम्पल, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने जो फाइल्स को डाउनलोड किया था वो एक डिफरेंट डायरेक्टरी में किया था, डायरेक्टरी का नाम आई गेस टेस्ट था, डायरेक्टरी फोल्डर एक ही बात है। तो यहाँ पे आके अब मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ, बल्कि लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। इस पार्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी कर देने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब इस पाथ को मुझे ठीक करना होगा। अब एक चीज़ आप नोट करें, जो वेंडर वाला फोल्डर है उसके अंदर ऑटो लोड वाली फाइल है, तो हमारे केस में पाथ क्या बनेगा, इतना पाथ ये वाला पार्ट मुझे रिमूव करना होगा। मैं यहाँ पर आके लिखूँगा वेंडर / ऑटो लोड, परफेक्ट। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आ जाने के बाद इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके तो यहां पे आके पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पे हो क्या रहा है, इस जगह पे आप नोट करें एक नेम स्पेस है रीकैप्चा के नाम से, उसके अंदर एक रीकैप्चा के नाम से क्लास है, उसको सीक्रेट पास किया जा रहा है, ये वही सीक्रेट है जो कि वेबसाइट का सीक्रेट था। और इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर यहां पे देखें वेरिएबल की शक्ल में पास किया जा रहा है, आप बेशक डायरेक्टली कर लें बेशक वेरिएबल की शक्ल में पास कर लें। तो रीकैप्चा पे वापस जाते हैं, जो क्लाइंट सीक्रेट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और इसको मैं यहां पे आके पेस्ट कर देता हूं। सीक्रेट इक्वल्स टू जो कोड मैंने अभी कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक क्लाइंट सीक्रेट है, क्लाइंट सीक्रेट मैंने इसको पास कर दिया। पास कर देने के बाद इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया रीकैप्चा के नाम से। अब जो रीकैप्चा है उसके थ्रू वेरीफाई के नाम से एक मेथड है उसको कॉल किया गया है, और जो रीकैप्चा रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली जो एरे में डेटा आ रहा था, यानी कि पोस्ट वाली एरे में डेटा आ रहा था, उसको यहाँ पे पास करना है। अब वो डेटा क्या था, वो था $_post g-recaptcha-response।
बेसिकली वो ये वाला इंडेक्स था जिसमें पीछे से कैप्चा कोड वाला कोड आ रहा था, एक्चुअल कोड आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे उसको पास कर दिया। उसके आगे लिखा हुआ है रिमोट आईपी, तो मुझे ये पास करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो केस है, अगर आपको ज़रूरत है पास करने की रिमोट आईपी यानी कि जो एंड यूज़र है उसका आईपी एड्रेस, तो आप पास कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। देखिए अब नीचे आके कमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है वेरीफाइड, और जो नीचे वाला चेक है उसका मतलब है कि वेरीफाई नहीं हुआ, वेरीफिकेशन सक्सेसफुल नहीं थी। तो जो हमारा वाला कोड है इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स वाला, उसको मैं उसके जो अंदर वाला पार्ट है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो नीचे एल्स वाला पार्ट है इसको भी अपडेट कर देते हैं। मैं यहां से इसको उठाता हूँ कॉपी, और इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं। एरर कोड्स अगर आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा दें, अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो सिंपली आप सिंपल सा मैसेज शो कर सकते हैं इनवैलिड कैप्चा कोड। यहां पे जो मैं काम कर रहा हूं मैं सिर्फ इसको एको करवा रहा हूं, तो आप इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे, यानी कि जो आपका लॉगिन फॉर्म है वहां पे आप इस एरर मैसेज के साथ रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूं, रिमूव कर देने के बाद मैं इसको सेव करता हूं। ओके, तो मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूं, जो फायरवॉल है मुझे उसको ऑफ करना पड़ेगा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। इस पे अगर मैं FTP यूज करता हूं तो मुझे फायरवॉल को एक सेकंड के लिए बंद करना पड़ता है। ओके, अब यहां पे आके मैं इस फाइल को फिर से अपडेट करता हूं, और फाइल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और इसको फिर से ट्राई करते हैं, रिफ्रेश। रिफ्रेश कर देने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, तो देखें इनवैलिड कैप्चा कोड, वापस आते हैं। मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया, रिफ्रेश कर देने के बाद अब आई एम नॉट अ रोबोट, अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं और मैं सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया। तो बेसिकली ये मेथड नंबर सेकंड था। अगर आप किसी MVC फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं जैसे कोड इग्नाइटर है या लारावेल है तो मैं आपको ये वाला मेथड रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज आप दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो मेरे ख्याल से जो आज का लेसन है इसके लिए इतना काफी है। अगर आपको इस पूरी सीरीज में कोई किसी तरह से कंफ्यूजन आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टेंट मैं शेयर करता हूँ, जो मैं कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ यानी कि मैं जो ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उनको भी हेल्प की जरूरत होगी तो ट्यूटोरियल्स उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूं आपको पता चलता रहे जैसे जैसे मैं वीडियोस को अपलोड करता हूं। और जो मेरा फेसबुक वाला ग्रुप है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सीरीज होगी इंशाल्लाह आपके साथ उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।